खबर आपको दे दें, बिहार में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बज चुके हैं। बिहार में 243 सीटों पर मतगणना का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम को लेकर भी वहां पर तैयारियां पूरे जांच परखा गया है ताकि किसी को भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 8 बज चुके हैं, बिहार में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 8:15 बजे पहला रुझान सामने आ जाएगा। और सबसे पहले वो रुझान आप देखेंगे आज तक पर पहला रुझान के आगे उसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा या पहले रुझान को सिर्फ हल्के में लिया जाए और आगे तस्वीर कुछ और हो सकती है। एग्जिट पोल जिस तरह से तेजस्वी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बिल्कुल रिजल्ट उसी दिशा में होंगे या फिर पलट जाएंगे जैसा कि एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है। अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब बस कुछ ही पलों में मिल जाएगा। फिलहाल बिहार में काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है और आपको बता दें कोरोना काल में ये पहला विधानसभा का चुनाव हुआ है। यहाँ पर चुनाव आयोग की जमकर तारीफ करनी होगी क्योंकि उसने शानदार व्यवस्था की थी। वोट प्रतिशत भी माना जा रहा था कि पहले के दौरान इस बार कम होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शानदार वोट प्रतिशत 57% के आसपास रहा। दूसरी और तीसरी फेज में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में वोटों की गिनती का काम अंजना शुरू हो चुका है और बस कुछ देर में पहला रुझान भी देश के सामने होगा। वोटों की गिनती की शुरुआत देखिए रेस ट्रैक पर जो दो शख्सियतें हैं उनको समझ लीजिए। एक तरफ रिकॉर्ड बनाने की रेस में तेजस्वी यादव है, क्या वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के, किसका होगा बिहार में। दूसरी तरफ वो शख्सियत जिनके पास लगभग 15 साल का अनुभव है लेकिन क्या उस सब का रंग फीका हो चुका है, क्या लोगों का गुस्सा उनके शासन और तथाकथित सुशासन के दावे से उठ चुका है, इन सब का कुछ ही देर में आप आकलन कर पाएंगे क्योंकि 8:15 बजे से पहला रुझान आना शुरू होगा। और आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे तेज रुझान और नतीजे, क्योंकि हर पार्टी, हर गठबंधन, हर सीट, हर दिग्गज, सबकी किस्मत में क्या हो रहा है, एक एक कहानी आपको इस स्क्रीन पर सिर्फ हर सेकंड दिखती रहेगी। आपको बता दें थोड़ी देर में पहला रुझान आने वाला है और इसी के साथ तस्वीर ये साफ होगी कि क्या तेजस्वी यादव, जिन्होंने इस बार पूरी ताकत झोंकी है, याद रखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वो आगे ले जा रहे हैं लेकिन लालू की विरासत को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की होड़ में वो है। उनकी एक कोशिश थी कि जितना भी आक्रमण उन पर हुआ या निजी तौर पर उनके परिवार पर हुआ उन सब पर उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा, नौकरियों की बात की, एक ऐसा एजेंडा सेट किया जिसके साथ वो आगे बढ़े। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते रहे पैसा नहीं है, नौकरी देना मुमकिन नहीं है, झांसा है। बीजेपी बार बार जंगल राज की याद दिलाती रही लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए भी एक बड़ी सीख हो सकती है, जेडीयू के साथ गठबंधन में इस बार चुनावी मैदान में उतरना क्या उनको भारी पड़ा, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ था, जो गुस्सा था, जो लॉकडाउन के बाद